दोस्तों, अगर आप आईफोन SE, 6S, 6S प्लस, 7, 7 प्लस यूज़ करते हैं तो आपको पता ही होगा कि उसमें एक रेस टू वेक फीचर्स होता है कि जैसे ही आप अपने फ़ोन को डेस्क पे से उठाते हैं तुरंत ही उसकी जो स्क्रीन होती है वो वेक हो जाती है, यानी एक्टिव हो जाती है। तो आप इस फीचर्स को कैसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं, तो अगर आप ये जो आईफोन के मॉडल मैंने बताए हैं वो यूज़ करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख रहे हैं। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली ये रेस टू वेक फीचर्स होता क्या है। तो ये फीचर्स कैसे काम करता है कि जैसे आपका जो फ़ोन है वो डेस्क पे पड़ा है और आप जैसे ही उसे उठाते हैं, तो जैसे ही आपने उठाया तो उसके अंदर एक रेस टू वेक सेंसर होता है, वो सेंसर के थ्रू आपका जो फ़ोन होता है वो एक्टिव हो जाता है, यानी आपको उसे बटन टैप करके वो ज़रूरत नहीं होती एक्टिव करने की। तो ये एक फीचर्स है जो आईफोन SE, 6S, 6S प्लस, 7 और 7 प्लस के अंदर होता है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डिवाइस के अंदर iOS का जो लेटेस्ट वर्ज़न 10 या फिर उसके अप वर्ज़न जो कोई भी आए वो होना चाहिए। अभी तो iOS 11 भी बीटा में है और उसके लिए ये जो मॉडल मैंने बताया वो मॉडल में ही ये रेस टू वेक फीचर्स सपोर्टेड है, पुराने मॉडल में ये सपोर्टेड नहीं है। ये रेस टू वेक फीचर्स है, उसका सेंसर अलग तरीके से काम करता है, यानी ऐसा नहीं होता है कि आप ये जो आपका लेटेस्ट मॉडल है उसमें ये फीचर्स अगर ऑन रखेंगे तो ये फीचर्स की वजह से आपको अगर शायद ये चिंता होगी कि मेरी बैटरी वगैरह कुछ ज़्यादा ड्रेन होगी तो ये फीचर्स में बंद कर दूँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ये फीचर स्पेशली सेंसर के थ्रू ऑपरेट होता है और उसमें काफ़ी सारे केयर ली गई है, यानी आपका अगर फ़ोन आपकी बैग में है या पॉकेट में है और आप चल रहे हैं, बैग यहाँ पे मूव हो रहे हैं, तो वो सेंसर है वो अपने हिसाब से बार बार एक्टिव नहीं होगा, वो प्रॉपरली उसका डिटेक्शन होगा, यानी आप डेस्क पर से उठा रहे या उस मोशन के अंदर जो प्रोग्राम फीड किया गया है उसके हिसाब से अगर मोशन होगा तो ही वो रेस टू वेक फीचर्स एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी आपको ऐसी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि उसकी वजह से ज़्यादा बैटरी ड्रेन होगी। हाँ, थोड़ी बहुत बैटरी तो वो यूज़ करता है लेकिन इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करता कि आप उसे नोटिस कर सकते। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप वो फीचर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास आईफोन 6 प्लस है, उसके अंदर ये सेंसर नहीं है, इसलिए फीचर्स मैं अपने डिवाइस में आपको बताऊंगा लेकिन वहाँ पे ये सेटिंग नहीं होगा। अगर आपके पास आईफोन SE, 6S, 6S प्लस, 7, 7 प्लस होगा तो वो फ़ोन के अंदर आपको ये सेटिंग मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में से जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाएंगे तो अगर आपका आईफोन का जो मॉडल है वो SE, 6S, 6S प्लस, 7, 7 प्लस है तो इसके अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा रेस टू वेक, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा। तो आप वो ऑप्शन को ऑफ करके रेस टू वेक जो फीचर्स है उसे ऑफ कर सकते हैं, टॉगल कर सकते हैं। तो एक सिंपल सेटिंग, जैसे आपने देखा कि आपको सिंपली सेटिंग में जाके ब्राइटनेस, डिस्प्ले ब्राइटनेस में जाके उसे ऑन ऑफ करना है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आता है आप उसे भी टैप कर दीजिए तो आपका जो डिवाइस है वो पुश नोटिफिकेशन के लिए रजिस्टर हो जाएगा और जब भी मैं अपने चैनल पर नया वीडियो अपलोड करूँगा तो तुरंत ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।